गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, यू नो माई सेल्फ सुखदेव किस्कू एंड टुडे आई विल टीच क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश 9 कोर्स एंड इट इज अ फोर्थ वीडियो, इट इज अ फोर्थ वीडियो फॉर योर क्लास एंड टुडे I am going to teach chapter 3. Your heading is Aladdin. You know very well Aladdin's story. In previous class, I remember I taught you. First of all, we explain the words. When you read your book, जब आप अपनी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ कठिन वर्ड्स आते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उसको सबसे पहले हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए और अंडरलाइन के बाद उसको हमें याद कर लेना चाहिए। तो हमारे बुक्स में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन के साथ उसका हिंदी मीनिंग भी हमने प्रयास किया है इस बार आप लोगों को देने का। तो पहला वर्ड है हमारा, पहला वर्ड है लॉनली। लॉनली से ही इसका मीनिंग पता चल जाता है। अलोन एंड नो कंपनी, अलोन एंड नो कंपनी, कंपनी मतलब साथी। अगर आपके पास कोई साथी नहीं है तो आप क्या होगे? अकेला। उसको हमारा बुक्स में मेंशन किया गया है लॉनली। नेक्स्ट वर्ड है नर्वसली। आप जो भी काम करते हैं अगर आपको डर जैसा महसूस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमको नर्वस फील हो रहा है। तो उसको बुक्स में क्या है? इन अ टेंस मैनर। उसको हम लोग भय से हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट थ्री वर्ड है, थर्ड वर्ड है मैजिशियन। आप लोग इसको भी जानते हैं, मैजिशियन हम लोग किसको कहते हैं? अ पर्सन हैविंग मैजिकल पावर, वह व्यक्ति जिसके पास जादुई शक्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं मैजिशियन। यानी कि एक वर्ड में अगर हिंदी बोले तो उसको जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डॉटर। डॉटर मीन्स गिवन हियर नॉट फीलिंग श्योर, डाउटफुल। डाउटफुल मीन्स नॉट फीलिंग श्योर अबाउट समथिंग। यानी कि डाउटफुल को हम लोग अगर एक्सप्लेन करेंगे, इफ यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश नॉट फीलिंग श्योर अबाउट समथिंग, तो इसको हम लोग अगर हिंदी करेंगे तो हिंदी में हमारा हो जाएगा संदेह से भरा। नेक्स्ट सीम्स। सीम्स ये न्यू वर्ड है, इसको हम लोग ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। लाइंस वेयर टू पीसेस ऑफ क्लॉथ वन स्टिच टूगेदर। ये भी आपको लगता है कि एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। ऐसे दो क्लॉथ, ऐसे दो कपड़े जिसको हम लोग आपस में सिलाई करके जोड़ देते हैं, उस सिलाई के जोड़ को हम लोग कहते हैं सीम्स। नेक्स्ट वर्ड इज जिन। जिन यू नो वेरी वेल, जिन हम लोग किसको कहते हैं? जिन एक्चुअली इट इज अ स्प्रिट, दैट मीन्स इन हिंदी इन भूत। नेक्स्ट वर्ड सेवन इज सिम। सिम मीन्स लुक अपियर। सिम ऐसे हमारा अगर भारत फॉर्म में आता है तो सिम मीन्स होता है लगना, तो यह हमारा भीतरी के रूप में आया है इसलिए हमारा है सिम लुक एंड अपियर, यानी लगा। किसी को हमको आते लगता है तो हम कहते हैं सिम, है ना। नेक्स्ट इन वैन। इन वैन, वैन मतलब आप जानते हैं बेकार, विदाउट सक्सेस। आपको अगर सफलता नहीं मिली तो क्या हो गया? बेकार हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे इन वैन। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज एम्ब्रेस्ड। होल्ड क्लोजली इन वन आर्म्स, दैट मीन्स गले लगाया। एम्ब्रेस्ड हमारा वर्ब 3 में आ रहा है, तो वर्ब 3 को एम्ब्रेस्ड यानी कि पार्ट पार्टिसिपल में है इसलिए हमने गले लगाया। यानी कि जब भी इम्ब्रेस हमारा पार्ट पार्टिसिपल रूप में आता है या पास्ट टेंस में आता है तो हिंदी में हमारा आ ई ए इस तरह का वर्ड आता है। तो ये हमारा चैप्टर 3 का जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे और उसके मीनिंग हमने उसका एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग वीडियो को जरूर इसको ध्यान से ही देखा करें ताकि आपको कुछ आपके इससे हेल्प मिले। नेक्स्ट है हमारा ये अलादीन चैप्टर। तो अलादीन का स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा है, फिर से मैं दोहरा देता हूं इसको।
Once upon a time, there was a boy named Aladdin. किसी समय एक लड़का था जिनका नाम अलादीन था. He lived with his mother. वो अपने माँ के साथ रहता था. They were very poor. वो बहुत गरीब था. One day a rich man came to their house. एक दिन एक धनी व्यक्ति उनके घर आए. Aladdin's mother did not know him. अलादीन की माँ उनको नहीं जानती थी. He was looking for Aladdin. वह किसे ढूंढ रहा था? अलादीन को ढूंढ रहा था. He wanted to take Aladdin with him for somewhere. अलादीन को कुछ कार्य के लिए वो ले जाना चाहता था. He promised to pay his mother a lot of money. उस धनी व्यक्ति ने अलादीन के मदर से प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं इसके बदले में आपको ढेर सारा धन दूं. Aladdin's mother trusted the man and allowed him to take away her son. जब उसे धन की बात आई, उस आदमी पर उसको विश्वास हो गया और उसको अलादीन को ले जा साथ में ले जाने का परमिशन दे दिया. They needed the money. उसको पैसों की आवश्यकता थी. But she did not know that the man was magician. लेकिन वह उनकी माँ यह नहीं जानती थी कि वह व्यक्ति जो है एक मैजिशियन था. अलादीन एंड मैजिशियन वेंट वेरी फार. अलादीन और मैजिशियन जो है बहुत दूर गए. दे स्टॉप एट अ लॉनली स्पॉट. वे लोग एक सुनसान स्थान पर रुक गए. नो मैन कुड बी सीन देयर. कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा था. द मैजिशियन टुक आउट सम क्लर्ड पाउडर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड. मैजिशियन जो जादूगर था, उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ कलर्स निकाले, रंग निकाले और ग्राउंड पर उसको छींटा, फेंका. द नेक्स्ट मोमेंट देयर वाज स्मोक ऑल अराउंड. कुछ ही क्षण में वहां पर पूरा धुआं से भर गया. धुआं से भर गया. इसके बाद नेक्स्ट. सून द स्मोक क्लियर्ड अवे. जिस तरह से धुआं जल्द ही फैल गया, उसी तरह से जल्द ही धुआं वहां से साफ हो गया, क्लियर हो गया. अलादीन सॉ अ कैप इन द ग्राउंड. अब वहां क्या दिख रहा है अलादीन को? वहां पे एक कैप. कैप मींस क्या होता है? गुफा. तो उसको क्या दिखा? गुफा दिखा. द मैजिशियन से अलादीन गो इनसाइड द कैप. अब मैजिशियन ने अलादीन से कहा कि तुम कैप के अंदर जाओ. यू विल सी लॉट्स ऑफ गोल्ड इनसाइड. तुम देखोगे अंदर जाकर बहुत सारे सोने तुमको दिखेंगे. टेक एज मच एज यू वांट. तुमको जितना चाहिए उतना ले लेना. यू विल ऑल्सो सी एन ओल्ड लैम्प. तुम वहां देखोगे एक पुराना सा लैम्प. क्या गेट दैट लैम्प फॉर मी. केवल और केवल मेरे लिए उस लैम्प को लाना. अलादीन इंटर्ड द कैब नर्वसली एज ही वॉज डाउटफुल दैट देयर वुड बी एनी गोल्ड. वह इस भय में था अंदर जाने के बाद, क्या ये कैब में सोना हो सकता है? नर्वसली के साथ वो अंदर गया. बट व्हेन ही एंटर्ड ही सॉ गोल्ड एवरीवेयर. परंतु जब वो अंदर गया तो देखता है कि एकदम पूरे जहां तहां जो है सोना ही सोना है. ही फिल्ड विथ हिज पॉकेट विथ टिल दे नियरली ब्रश्ड इट दैट सीम्स. वो पॉकेट में इतना भर रहा था जब तक कि उसका ऐसा लग रहा था कि उसका पॉकेट का सिलाई जो है वो टूट जाए, फट जाए. ही ऑल्सो फाउंड एन ओल्ड एंड डर्टी लैम्प. जिस तरह से मैजिशियन ने उसको कहा था कि वहां पे एक पुराना लैम्प मिलेगा, तो सचमुच वहां पे एक पुराना और गंदा, गंदगी से भरा एक लैम्प मिला. ही टुक द लैम्प एंड कॉल्ड आउट टू द मैजिशियन टू हेल्प हिम आउट. ही टुक द लैम्प एंड कॉल्ड आउट टू द मैजिशियन टू हेल्प हिम आउट. उन्होंने लैम्प को लिया और मैजिशियन को आवाज दिया बाहर निकालने के लिए. गिव मी द लैम्प फर्स्ट. द मैजिशियन से
जादूगर ने कहा सबसे पहले मुझे लैंप दो। अलादीन से प्लीज पुल मी आउट फर्स्ट। अलादीन का कहना था पहले मुझे बाहर निकालिए, ठीक के बाहर निकालिए। द मैजिशियन गॉट एंग्री। जब इस तरह की बातें होने लगी तो जादूगर को गुस्सा आ गया। He took out some more powder from his pocket and threw it into the cap. उन्होंने फिर से वो पाउडर को निकाला और उस कैप में पाउडर को छिट दिया, मैं फेंका। इसके साथ ही क्या होता है, द कैप क्लोज अप विथ अ हज रॉक। इसके साथ ही क्या होता है, बड़े से चट्टान से जो गुफा था, गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन वाज ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ। अब अलादीन डर से जो है, जैसे पेड़ में देखे हो पत्ते हिलते हैं ना हवा देने पर, उसी तरह से वो हिलने लगे। ही शॉर्टेड फॉर हेल्प बट इन वैन। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया पर बेकार। इट सीम ऑल होप वाज लॉस्ट टिल अलादीन स्टार्टेड क्लीनिंग द लैंप। जब सारे आशाएं समाप्त हो गई तो अलादीन क्या कर रहा था कि वो लैंप को साफ करने लगा, जो उसमें गंदा लगा था उसको साफ करने लगा। सडनली देयर वाज अ स्ट्रेंज फॉग इन द रूम। अचानक उस कमरे में क्या होता है, एक फॉग, यानी कि फॉग मतलब जानते हो, फॉग मींस जो कुहासा, कुहासा जैसा हो गया। अलादीन हर्ड अ वॉइस। अलादीन को एक आवाज सुना दिया, माय मास्टर आई एम अ जीन ऑफ दिस लैम्प। कहता है कि मैं इस लैम्प का जीन हूं, यानी कि भूत हूं। What do you want? आप क्या चाहते हैं? It was her strange looking man. वो देखा गया, वो जो स्प्रिट था, वो जो जीन था, वो बहुत ही बड़ा था। अलादीन was scared. उसको तो देखकर अलादीन को पहले डर लग गया। But the genie asked him not to fear. जीन ने ही फिर कहा कि आप हमसे भयभीत मत होइए। He would obey him. मुझे आज्ञा दीजिए। अलादीन said. टेक मी टू माई होम। तो यह सुनकर अलादीन को थोड़ा धैर्य आया और उसने कहा टेक टू माई होम, मुझे अपने घर ले चलो। सुन अलादीन वाज होम विथ हिज मदर। जल्द ही अलादीन जो है अपने माँ के साथ था। सी इम्ब्रेस्ड हिम। उन्होंने अब उसकी माँ ने उसको गले लगाया। अलादीन टोल्ड हर ऑल अबाउट द मैजिशियन एंड हिज डर्टी ट्रिक। अलादीन ने सारी बातें उस मैजिशियन के बारे में बताई और उसके गंदे इरादों के बारे में। अलादीन कॉल्ड द जीन अगेन एंड सेड आई वांट अ पैलेस। फिर से जीन को वो याद करते हैं और कहता है कि मुझे महल चाहिए। द जीन ग्रांटेड हिम हिज विश एंड सून द पैलेस वाज बिल्ट। जीन उसके बातों को मानता है, तुरंत जो है वहां पे एक महल तैयार कर देता है। अलादीन बिकम मोर फेमस। अब उसके पास धन हो गया, माल हो गया, तो अलादीन जो है प्रसिद्ध हो गया। ही मैरिड प्रिंसेस द डॉटर ऑफ सुल्तान। सुल्तान मींस क्या होता है, सुल्तान हम लोग उसको कहते हैं जो उस एरिया का सम्राट होता है। तो उसने उस सम्राट के सुल्तान की बेटी से, उसका राजकुमारी से विवाह किया। द मैजिशियन टू हर्ड ऑल अबाउट अलादीन। तो मैजिशियन को भी अलादीन के बारे में सब कुछ सुना। ही केम टू अलादीन पैलेस एज एन ओल्ड मैन। वह अब एक बूढ़े का रूप धर करके अलादीन का महल में आया। द प्रिंसेस वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मैजिक लैम्प। अब रानी का, राजकुमारी का तो ये तो मैजिक लैम्प के बारे में उसको पता नहीं था। सी गेव इट टू द मैजिशियन। इसलिए उन्होंने उस जादूगर को वो लैंप दे दिया। ही रेन अवे विद द लैंप। वो लैंप के साथ वहां से भागा। व्हेन अलादीन रिटर्न होम ही कुड नॉट फाइंड हिज पैलेस एंड हिज प्रिंसेस नॉर हिज मदर। जब अलादीन अपने स्थान पर आया, ना ही वहां महल था, ना उसकी राजकुमारी थी और ना ही उसकी माँ थी। ही हैड अ रिंग गिवन टू हिम बाय द मैजिशियन। मैजिशियन ने उसको एक रिंग भी दिया था। ही रब द रिंग एंड अनदर जीन अपियर। उन्होंने फिर से रिंग को रगड़ा और दूसरा जीन उससे निकला, अपियर हुआ। टेक मी टू वेयर एवर माई प्रिंसेस इज।
ही ऑर्डर द जिन, उन्होंने जिन को ऑर्डर दिया कि जहां मेरी राजकुमारी है आप वहां ले चलिए। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अलादीन फाउंड हिमसेल्फ इन द डिजर्ट इन अ पैलेस। वो जादूगर जो है एक डिजर्ट में उस पैलेस को, उसकी मां को और राजकुमारी को लेके चला गया, तो वहां पहुंच गया। हिज प्रिंसेस एंड हिज मदर वेयर देयर एंड ही वाज ग्लेड टू सी देम से। उन लोगों को सुरक्षित देख करके अलादीन को बहुत खुशी हुई। ही देन रब्ड द लैंप एंड द फर्स्ट जिन अपीयर। उन्होंने लैंप रब द लैंप को रब किया और फिर से वो पहला जिन जो था वो मतलब वहां पे निकला। माय मास्टर द जिन सेड आई एम सो हैप्पी टू सर्व यू अगेन। जिन ने कहा कि मेरे मालिक आपने फिर से मुझे सेवा के लिए जो याद किया उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। व्हाट डू यू विश फॉर अलादीन से आपकी क्या इच्छाएं हैं। अलादीन से सेंड दिस एविल मैजिशियन टू डिफरेंट प्लेस। इस बुरे जादूगर को एक अलग स्थान में भेज दो। ही शॉटेड नेवर हर्ट एनीवन और रिटर्न हियर अगेन। न किसी को इसके बाद से किसी को कष्ट पहुंचाए और ना ये फिर से वापस आए। तो चैप्टर्स को आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे फिर से और इस चैप्टर को पढ़िए। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये अभ्यास बना रहेगा, आगे सीखने की जिज्ञासा होगी और है ना, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें। और कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप के द्वारा इसको आपको पूरा कर भेज दूँ और इसको आप लोग अपना फेयर कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।